तेरे घड़ी से मेरा ड्रेस बिल्कुल मैच हो जा रहा है। और अच्छा चला है, इतना भी बुरा नहीं चलाया। मैं बदमाशी नहीं करती है, थोड़ा करो। तो मुझे एक नहीं तीन को संभालना पड़ता है। तुम लोगों की ना हरकतें मुझे समझ में नहीं आती। ये दाल चावल और ये गोभी, ये भर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप अभी हो रहा सुबह का 9 बज रहे और आज है, आज से बहुत ही स्पेशल डे शुरू होने वाला है। क्यों बताओ? ये हमारी छुट्टी शुरू हो गई है समर वेकेशन 2 महीने की। 2 महीने की छुट्टी आज से इनकी चालू हुई। तांडव चालू हो गया, इनकी छुट्टी चालू हुई और मेरी टेंशन चालू हुई है। यही होता है, कोई भी काम ना एक इंसान को तकलीफ देता है तो एक इंसान को खुशी देता है। तो आज इनका पीटीएम है, तो हम लोग आज पीटीएम में जाने वाले हैं। सुबह हो गया, सुबह के सारे काम खत्म हो गए हैं। जल्दी जल्दी नहाओ, तैयार हो जाओ, चलना है। तो कब नहाया भाई? चल रहे ये दोनों गंदे गंदे, जो कि अभी तक नहीं रहा। वो तो शक्ल बता रहा है ना, हाय नहीं नहाय। कितने बजे जाना है? 8 बजे से शुरू होने वाला है, तो 10-11 बजे तक चलेगा। मैं तो सुबह खिलाई होता है, मीठा क्या खिलाएंगे? हां, तो आप भंडारा में जा रहे हो। अरे बुलाया है ना, तो कुछ तो खिलाना चाहिए भाई। पहली बार पेरेंट्स से मिलने बुला रहा है। आपकी शादी है? अरे शादी नहीं है। ये सोफा के ऊपर चेयर किसने चढ़ा दिया भाई? आंटी, हां भाई। तो चलो फटाफट रेडी होते हैं और आज स्कूल जाते हैं और वहाँ जाते हैं, काम बहुत हो जाता है उसके ऊपर से। सैटरडे ना थोड़ा रिलैक्स करने का मन करता है, मंडे टू फ्राइडे दिमाग एकदम पक जाता है आदमी का और सैटरडे को नया काम हो जाता है। होता है। तो अभी नाश्ता बनाते, चाय बिस्किट सबने एक बार खा लिया है और घर के सारे काम हो गए हैं, किचन के भी हो गए हैं। और फटाफट पराठे सेकते हैं, अचार पराठे आज खा लेना, आज कुछ नहीं बनाने का मन हो रहा है। अचार पराठे खा के स्कूल जाएंगे, फिर वहाँ जाके खाना वाना बनाएंगे। मौसम बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत सुंदर। तो यहाँ मैंने आशुन चुर को सबके लिए पराठे बना दिए और वो खा रहे हैं। इतने देर में मैं क्या कर रही हूँ ना कि ये करेले आज मुझे बनाने हैं, भरवा करेले। लास्ट टाइम बनाई थी, सबको बहुत अच्छा लगा था। तो इसके लिए मैं इसके अंदर का जो भी बीज है ना और उसको निकाल के रख दूँगी और इसमें हल्दी नमक डाल के रख दूँगी, जिससे कि आने के बाद तक वो अच्छे से उसका जो कड़वापन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो फिर आने के बाद बनाने में थोड़ा आसानी हो। तो इतना सा काम करके चली जाऊंगी तो फिर थोड़ा समय बचेगा। तो ऐसे ही टाइम को मैनेज करना पड़ता है हम जैसे लोगों को जिसके सर पे 50 तरह के काम रहते हैं। तो चलो इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे। देखो ऐसे करके खाली कर दे रही हूँ और फिर इसमें नमक और हल्दी लगा के छोड़ दूँगी। तो और आने के बाद फिर उस पर पानी निचोड़ के आने के बाद मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे बनाती हूँ। तो चलो अभी फटाफट ये काम कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग रेडी हो गए हैं और टाइम हो गया है 10:45। ये 10 मिनट फास्ट है, 10:30 बजे 10:35 हो रहा है। बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, फिर भी 56 हम लोग को लग रहा है पीटीएम क्योंकि पहली बार इतना जल्दी थोड़ा रेडी हुए ना। 11:30 बजे ही जाते थे। तो चलो चलते हैं। अंशु के स्कूल और अंशु का तबीयत ख़राब हो गया है, थोड़ा सर्दी जुकाम, इसलिए इतना शांत है। लग रहा है घर में बच्चा नहीं है, तो अंशु दवा भी ले लिया है, अंशु के लिए दवा आ गया। अब चलते हैं, चलो खड़े तो हो जाओ। सब एक एक करके रेडी होता है इसलिए लेट होता है। और खाना की मैंने तैयारी कर दी है थोड़ी सी। अरे मैंने पानी नहीं पिया भाई नाश्ता करके। पानी पी लेते हैं और चलते हैं आशुतोष के स्कूल। छुट्टी वाले दिन कुछ ना कुछ नया काम आ ही जाता है। और देखो आज ना मेरे घड़ी से मेरा ड्रेस बिल्कुल मैच हो जा रहा है स्मार्ट वॉच से, है ना। चलो किसी ड्रेस के साथ तो मैच आया, पहनने में ज़्यादा मजा आएगा। मुझे मैचिंग वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा लगता है, कॉन्ट्रास्ट का तो जमाना ही चल रहा है, लेकिन मैचिंग ज़्यादा अच्छा लगता है। ये फ़ोन को घर में छोड़ दे रहे हैं, क्या जरूरत है। चलो मिलते हैं स्कूल पहुँचे। चला रहे हो सदन तो डग ऐसे भीड़ में। मैं कैमरा देख रही हूं लेकिन ये सामने देख रहे हैं। इतने चौराहे पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ होता है ना, तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है गियर का। मैं जब गाड़ी लूंगी ना तो ऑटोमेटिक गाड़ी टेंशन ही खत्म। चलो वासुन सुख स्कूल पहुंच गए, बस थोड़ी दूर रह गई है, अब उम्मीद है पहुंच जाएंगे। अरे क्यों आशुन सुख क्या बोलते हो? पहुंच जाएंगे। चलो तो हम फाइनली स्कूल पहुंचा दिया मैंने। और अच्छा चला है, इतना भी बुरा नहीं चलाया। हाँ,
मेरा ना पार्किंग से निकालने और लगाने का एक्सपीरियंस अच्छा है, भीड़ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा है। भीड़ में मैं थोड़ा डर जाती हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाऊँगी ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस कैन, क्या बोलते हैं उसको, मैन, फिर से बोल दो, मुझे बोलना नहीं आ रहा। प्रैक्टिस मेड मैन परफेक्ट। हाँ चलो, आज सुन के नए मैम से मिलने वाले हैं, न्यू मैम से, है ना। आज सुन के मैम से मिल लिए हैं और क्या बोला आप बताओ, दोनों अपने अपने बारे में। मैम ने बोला कि दोनों बहुत अच्छे हैं क्लास में, एक ही जगह खड़ा रहे। नहीं नहीं देखो, और बच्चों की कंप्लेन आती है ना कि बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं, बातें करते हैं। हमारे यहाँ उल्टा कंप्लेन आता है कि आशु बहुत साई है, बहुत कम बोलती है, बदमाशी नहीं करती है। थोड़ा करो, अगर बात नहीं करेंगे तो उसको पनिशमेंट दो, उल्टा लगता। चलो अब चले घर। ये आशुंशु का स्कूल, यहाँ पे होता है प्रेयर, और ये है उनका क्लासरूम, ये वाला पास में है, क्लासरूम पास में है। अब तो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी पड़ती हैं ऊपर, लेकिन तीन भी चढ़नी पड़ती है। चलो लो, अरे हाँ पिल्लो नहीं था, अरे हंस रही क्यों रही है। अभी देखो सैटरडे संडे हमारे यहाँ यही चलता है तीनों का, और अभी 2 महीने छुट्टी हो गई ना, तो अब बस यही चलने वाला है। देखो किसके किसके घर में ऐसा होता है, मुझे ये बताओ, होता होगा नहीं होता होगा, तो मुझे एक नहीं तीन को संभालना पड़ता है। देखो देखो देख लो उनके नाटक, देख लो ऐसे घर की, बताओ कितनी अच्छी से साफ सफाई रहेगी। देखो अरे बस कर भाई, घर की हालत देखो तुम लोग। अब मुझे थोड़ा वो होना पड़ेगा, अब छुप जाओ छुप जाओ छुप जाओ, ढूंढते रह जाओ, छुप जाओ वहां नहीं रे बुद्धू को लो पकड़ा है। अच्छा 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 राम, देखो ये सारे पिल्लो इल्लो। अंशु अब बेटा देखो, तुम लोग घर को जितना खराब कर रहे हो फिर उतना नहीं सही किया ना, फिर मैं बताती हूँ बढ़िया से तुम लोगों को। चलो भैया मैं खाना बनाऊ, इन लोग का नाटक चलता ही रहेगा अभी। अब मैं करेले काट के गई थी, उसको मैंने यहाँ पे स्टीम होने के लिए रख दिया। नीचे चावल हो रहा है और उसके ऊपर इस तरह से इसको मैं पका लूँगी, तो एक साथ ये दोनों काम हो जाएंगे, अलग से मुझे स्टीम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ दाल बना रही और यहाँ पे बनेगा आलू गोभी। ये देखो यहाँ पे करेले स्टीम हो गए, बहुत अच्छे से ये पक गए, तो इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखो इसको निकाल के रख देते हैं, और इसका ये छिलका और बीज है इसमें से भी पानी निचोड़ लेंगे, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। प्याज यहाँ पे काट लिया है, प्याज और मिर्ची डालेंगे और बाकी सारे सूखे मसाले जाएंगे। इसमें जो स्पेशल मसाला होता है सौंफ का पाउडर होता है, धनिया मिर्ची हल्दी नमक बस ये। तो चलो इसको निकाल लेते हैं करने। और ये देखो मुझे अलग से इसके लिए पानी गर्म नहीं करना पड़ा, ये चावल बन रहा था इसके ऊपर से जाली वाली थाली रख दी और ये हो गया। उस सॉरी ये चावल अब आराम से होते रहेगा। यहाँ पे आलू गोभी बन रही है, आलू गोभी में टाइम लगेगा, इसको बनने देते हैं। दूसरी कढ़ाई में करेला बना लेते हैं ताकि जल्दी से काम हो जाए। दो कढ़ाई धोनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, जब काम जल्दी करना हो तो थोड़ा सा ये सब करना पड़ता है, क्योंकि आलू गोभी मैं सूखा बना रही हूँ तो ये लो फ्लेम पे आराम से बनेगा, कम से कम 15 मिनट इसको लगेगा। जब तक मैं फटाफट दूसरी कढ़ाई गर्म करके इसको फ्राई करती हूँ, उसके बाद फिर प्याज मिर्ची डालेंगे और मसाले डाल के उसको थोड़ा ठंडा करके फिर इसमें इस तरह से स्टफ़ करके इसको फ्राई करेंगे। तो इसमें अभी 2 स्टेप करना है, इसलिए करेले का काम शुरू करते हैं। खाना बना रही तब तक इन लोग का क्या चल रहा है, और ये क्या भाई बेड के ऊपर कौन खेलता है बेटा, कैरम और बेड के ऊपर, तुम लोगों की ना हरकतें मुझे समझ में नहीं आती। अब ये सारे जो पाउडर है वो बेड के ऊपर तो फैलेंगे क्यों आशु, और ऐसे कौन बैठता है बेटा, सीधा बैठो कैरम की तरफ मुंह करके, सीधा बैठ जाओ, है नहीं पोजीशन सही रखोगे कि नहीं। अब इसके बाद ये गेम खत्म होगा ना, अगले गेम में नीचे करोगे किसको, ठीक है। मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, एकदम से हवा बहुत तेज चल रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हवा, धूप का तो नामो निशान नहीं है। कल बारिश हुई है ना, इसलिए आज मौसम बहुत सही हो रहा है। मैंने गर्म किया और उसमें थोड़ा 5 फोरन का तड़का लगाया, और मैंने दाना और जो छिलका था ना उसको निचोड़ के ये पानी मैंने सारा निकाल दिया और इसको फ्राई कर लिया। ये फ्राई हो गया अच्छे से, अब इसमें हम लोग डालेंगे
मिर्ची और प्याज बारीक कटा हुआ, कड़वापन काफ़ी कम हो जाता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है करेले में प्याज। अब करेले की सूखी सब्जी भी बनाना है, यानी कि भुजिया भी बनाओ, उसमें प्याज काट के डाल दो, उसका कड़वापन तो कम हो ही जाता है, साथ ही साथ उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इस प्याज को इसके साथ हम 2 मिनट भून लेंगे, उसके बाद मसाले डालेंगे। गोभी भी हो रही है, दाल हो गया, दाल में तड़का लगाएंगे सिंपल हींग जीरे का। ये करेला और छिलका जो है वो फ्राई हो गया, अब इसमें मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर, नमक और ये मिक्स मसाला साथ में डालेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च, तीखा रहता है ना जब भी, इसका ठीक रहता है। और डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर, यदि कच्चा आम है तो वो भी डाल सकते हैं, इसमें खट्टा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो आमचूर पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा। और इसमें सबसे स्पेशल जाता है ये सौंफ का पाउडर, तो 1 चम्मच सौंफ को मिक्सी के जार में डाल के पीस लिए, सौंफ पाउडर को ऑलरेडी, तो उसको ले लें बस। और सबको हम अच्छे से भून लेंगे, यदि बहुत ज़्यादा ड्राई लगे ना तो 1 चम्मच जैसा पानी डाल देना आप। मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ पानी, क्योंकि थोड़ा सा मसाला ड्राई हो रहा है, बस मसाला जले नहीं। इसको 1-2 मिनट भूनेंगे मसालों के साथ। ये देखो सारे करेलों को मैंने भर लिया, अब तेल में इसको फ्राई करेंगे। तो खाना हमारा यहाँ पे बन गया है, और मेरी बिंदी कहाँ चली गई, गिर जाती है काम काम में। खाना हमने यहाँ पे लगा दिया है, और ये दाल चावल और ये गोभी, ये भरवा करेले, ये देखो भरवा करेले हमारे यहाँ पे बन गए हैं। तो चलिए अब हम लोग खाना एंजॉय करते हैं। और आज का ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे काम हैं वीडियो से रिलेटेड, आज मुझे वीडियो पोस्ट करना है, तो अभी मुझे कम से कम 2-3 घंटे उसमें बैठना पड़ेगा। तो फटाफट खाना कंप्लीट करते हैं, बर्तन वगैरह मैं शाम को करूँगी क्योंकि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और व्लॉग शूट करती हूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है इस रूट में खाना बनाने में भी। तो जो 1 घंटा में बन जाता मेरा खाना वो 1.5 घंटा हो गया, 1:30 बज गया। तो फटाफट खाना खाते हैं और फिर आगे का काम निपटाते हैं। यदि कुछ स्पेशल हुआ तो शेयर करेंगे, नहीं तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। हमारा काम, हमारा या फिर खाना बनाने का तरीका, या फिर हमारा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। और अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, यदि बेल आइकन ऑन कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।